आज रंग हरी माँ रंग हरी आज रंग है मोरे जोबन पे जोबन आया मोहे पिया मिलन रुत मन भायो मुआ जग बैरी का है संग हरी आज रंग है। वो लड़की रीद भाग गई है। वो लड़की भाग गई। कहाँ गई? ओए अगर आसिया यहाँ नहीं आई तो फिर कहाँ गई? मुझसे क्या पूछते हो? जाके आप ही जिसे पूछा जिसने भगाया उसे। और तेरे बाप से ना पूछूं मैं? इस बदतमीजी की वजह पूछ सकता हूँ मैं? तेरी जमात का कमरा नहीं है ये मेरा घर है। मैं अभी जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। सॉरी सर। पर अब ना मियां गुलाब फरीद को किसी का डर नहीं, आपका भी नहीं। अब जब राणा बीबी उन्हें बताए कि तू, मैंने कहा ना अभी मेरा वक्त नहीं आया और जब तक मेरा वक्त नहीं आता गुलाम फरीद के दिन नहीं आएंगे। और तू भी गुलाम फरीद से डरना छोड़ दे। गुलाम फरीद ने हवेली छोड़कर गलती की है। जंग के दो असूल हैं, एक तो बहादुर अपने पांव की मट्टी नहीं छोड़ता, दूसरा किला फतह कर भी ले तो वहां जाके रहता नहीं। और गुलाम फरीद ने अपने पैरों की मिट्टी और अपना किला पागलों और उल्लुओं को दे दिया है। ये पागल ये उल्लू ये बड़े सियाने होते हैं, ये ज्यादा देर जंजीरों और पिंजरों में रहते नहीं। पानी तो ये है तुम्हारा घर। कितने अरसे से मलकानों का हर तरह का काम करते आए हो, एक ढंग का कमरा तक नहीं बनवा के दिया। ओ मैं जीव छड़ा आदमी चंगे कमरे का क्या करना है जी। मैंने
जानते हो मैं हवेली जाने से पहले यहाँ क्यों आई हूँ? मेरे लिए चप्पल लेके आओ और मौलवी साहब को बुलवाओ। मौलवी साहब क्यों जी? मुझे तुमसे निकाह करना है। बहन हाँ क्या तुमने सुना? क्या आसिया बीबी घर से भाग गई? और भागी नहीं है, उससे चेन उठा के ले गए हैं। चेन? हाँ है बहन, ऐसा भी होता है कि जवान औरत को जिन उठा के ले जाए? हो भी सकता, कुछ भी हो सकता है। अगर वो जिन के साथ भी गई है ना, तब उसने वापस नहीं आना। से मैंने तो ये भी सुना है कि आपी के पास बेमौसमी फल आते हैं और मेवे भी, और तो और लोग ये भी कहते हैं कि आपी के कमरे में जिन नमाजें पढ़ते हैं पांच पांच टाइम की। तुझे एक सच्ची बात बताऊं? बता। पंकज, इसीलिए तो इतनी नीली आंखें हैं, हमारे घर में तो किसी की भी नहीं। मेरा तो पुत्र कहता है, माँ तू सच्ची है, तेरी दुआओं से और दर दर जाके दुआएं मांगने से हमें ये बच्चा मिला है। और एक और बात बताऊँ, उसकी बीवी की तबीयत भी अब ठीक हो गई। एक बात तो बता, आसिया बीबी वापस आ जाएगी? अल्लाह ही जाने। हाँ रब तो सब कुछ जानता है, उसकी मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमें दुआ करनी चाहिए, ती त्याणी है, हम भी तीयो पैनो वाले हैं। हाँ मैंने कल तो आ गई थी उसके लिए। आसिया को कहाँ भगाया तूने? कौन आसिया? जो पूछ रहा हूं ना उसका जवाब दे बस। कहाँ भगाया आसिया को? तेरी बीवी तो लेके गई है चाची की तरफ। झूठ बोलती है तू, सब जानती है तू। मैं सब जानती हूं, मैं गुलाम रसूल हूं, गुलाम रसूल हूं मैं। अगर एक बार गुलाम रसूल को मार सकता हूं ना मैं, तो दूसरी बार भी मार सकता हूं। मार के जिंदा करने पर सिर्फ खुदा कादिर है, सिर्फ खुदा। अच्छा चल फिर बंद कर ये ड्रामे और बता के आसिया कहाँ है? उस लड़की के साथ मिलके कहाँ गायब किया तूने उसे? एक बार मेरे कातिल से पूछी तुझे, तेरे काम पानी तरह इतने कब्रूशी जवान बेगुनाह आदमी को मारते हुए। चल बैठ जा, बड़ी हो सम्राट।
मैं दोबारा इस सब में नहीं फंसना चाहता। वो बंदा इंसान नहीं, दरिंदा है। प्लीज सर, मैं इस तरह खामोश नहीं बैठ सकती। आसिया कहाँ गई? कहीं उसे भी जीजी की तरह? खुदारा, दिस इज ऑल सो गॉथिक। आई एम फीलिंग सो गिल्टी। लेकिन मैं क्या कर सकता, मैं कर भी क्या सकता हूं? शायद आप ठीक कह रहे हैं। और अब जबकि आसिया घूम गई है, अब मुझे लगता है मुझे कुछ करना होगा। उसे घूमना नहीं चाहिए था। He's such a lovable person, चाहे जाने के लायक। कहीं उससे भी महत्व नहीं दिया गया? क्या कर सकते हैं, जिस दफा मर जाए वो लौट तो नहीं सकता। लेकिन आइंदा कोई आसिया, कोई नजीर फातिमा। Be brave, समरा। हो सकता है वो अभी भी हवेली में सेफ इंसान हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो, पर मैं इस मफरूजे पे उसे वहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। Alright, go ahead then. पर याद रखना, गुलाम फरीद is not a nice man. आपको अल्लाह का वास्ता है जी, वक्त गुजरता जा रहा है, आप हवेली चली जाएं। बीबी जी, मैं जैसा कह रही हूं वैसा कर वली मोहम्मद, जितनी देर करोगे उतना नुकसान उठाओगे। इतना डर क्यों रहा है? मलकानों के कहने पे इतने जुर्म करता है तब तो जरा नहीं डरता। ये गुनाह तो नहीं है वली मोहम्मद। आप कुछ भी कह लें जी, पर मैं ये गुस्ताखी नहीं कर सकता। मेरा कत्ल कर सकता है? गुलाम अली, गुलाम रसूल भी तो मलकाने थे, उनको मारते हुए तो तुझे जरा झिझक ना आई? आपको कैसे पता जी? सबको पता है, कोई बात नई नहीं, कोई बात पोशीदा नहीं। वो तो मैंने मियां फरीद के कहने पर किया था। मियां फरीद क्या, तेरा आका है, तेरा बादशाह है, मालिक है वो तेरा, गोला है तू उसका? मैं किसी का नौकर नहीं हूं जी, मैं तो आजाद हूं, आजाद। आजाद कहां से है तू? मेरे भाई के कहने पे तू इतने कत्ल करता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता? ओ बीबी जी, मैं तो शिकारी हूं जी, हजारों शिकार किए हैं पर गोशत की एक बोटी तक मुंह में नहीं डाली। मलकानों के कहने पर हजारों फैर किए, हजारों जानवर पकड़े, हलाल किए, और वो दो मलकाने भी मियां फरीद के कहने पर भड़काए। मुझ पर कोई गुनाह नहीं है जी, ना किसी बंदे का और ना किसी पखेरू का जी। फरीद के कहने पे तू इतने गुनाह कर सकता है, तू मेरे कहने पे एक सवाब का काम नहीं कर सकता? जा वली मोहम्मद, देर ना कर, ये ना हो कि फरीद मुझे ढूंढता हुआ यहां तक पहुंच जाए।
जा। अच्छा, अच्छा। कुछ पता चला आसिया का? कुछ पता नहीं चला। वो लड़की भी गायब है। ना चौहान को कुछ पता है, ना आप ही को। काश की नजीर फातिमा की जगह आप ही मर जाती। अब क्या होगा? और ये आसिया का उनके साथ रابطہ कैसे हुआ है? बकवास ना कर, ना कर बकवास। सब तेरे बाप का किया तरह है, उसी की कोई पक्की पकाई है। वही लेकर आया था उस औरत को। नहीं फरीद, ये बात नहीं कि वो मेरा बाप है, बल्कि अब्बा जी नहीं चाहते थे कि तुम्हें कोई परेशानी हो। उनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है और वो सिर्फ इसलिए गए थे कि तुम उनकी बात मान जाओगे। तेरे बाप का कोई ताल्लुक नहीं है, चौहान का कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर सारंग और नारंग पर गोली क्यों चली? हैं? तुझे कैसे पता? पता है मुझे सब, सब पता है मुझे। तेरा बाप क्या कर रहा है सब पता है मुझे। ये जंगली कबूतर कहां से आते हैं? हमीदा, दिल तो करता मैं हमीदा को। देख फरीद, ये सारे काम एक साथ नहीं हो सकते। फिलहाल तो आसिया को ढूंढ, उसका पता कर। ये अब्बा और हमीदा को हम बाद में देख लेंगे। लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले तो, मेरी औलाद को अगर कुछ हुआ ना तो मैं तुझे और तेरे बाप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो क्या वो मेरे बच्चे नहीं है? नहीं है, नहीं है वो तेरे बच्चे। औलाद हमेशा बाप की होती है। कभी तूने शजरपति में देखा है कि फलां की मां फलां है, फलां की मां फलां है? मां का नाम तब तक रहता है जब तक वो जिंदा है, बस। ठीक है, वो सिर्फ तेरे बच्चे। अब खुश? मुझे ये बताओ, उस लड़की का क्या बना है जिसके लिए वो औरत आई थी? मार दी गई है वो। क्या मतलब? मतलब ये कि वली ने उसका गला घोटकर उसको किकरों की डंडी पे दफन कर दिया है। वली ने? हाँ, वली ने। हाँ यार, जाओ जल्दी से बीबी जी के लिए कप चाय लाओ।
जितने निकम्मे हैं सारे इसी थाने में भेज दिए। आप चाय वगैरह छोड़ें और FIR काटें। बीबी अगर मैं आपकी FIR दर्ज कर भी लूं तो मुझे सेठ साहब तो उठ चुके हैं। तो ये कि अगर हम वहां सर्च वारंट के बगैर गए तो वो लोग हमें मुंह तक नहीं लगाएंगे। हमारा रोज का काम है बीबी। आप FIR काटें, सर्च वारंट किसका लेना है वो मेरा काम है। ऐसी भी क्या जल्दी है, आप सुबह आ जाएं। रात रात में कौन सी को क्यामत आने वाली है। आप FIR काटें और मुश्तबा नामजद के तौर पे गुलाम फरीद का नाम लिखें। अब मुझे एक बात बताएं बीबी, आपको इतनी जल्दी क्या है। जल्दी है, आसिया इज मिसिंग। वो लोग उसे मार के दफना देंगे उसकी बहन की तरह, और आप पूछे जल्दी क्या है। आराम से बीबी जी, आराम से। एक तो आप NGO वाली माइयां शोर बड़ा डालती हो। जुर्म को रोकना NGOs का काम नहीं है, मुजरमों को पकड़ना भी NGOs का काम नहीं है। लेकिन वो इदारे जो इन कामों के लिए बनाए गए हैं, जब अपने काम नहीं करते तो NGOs वाली माइयों को शोर मचाना ही पड़ता है। आप FIR काट रही हैं, मैं फोन करूं। और रहने दें बीबी जी, रहने दें, अभी आपकी FIR कटवाता हूं। ओ इकबाल, ओ बीबी जी की FIR काटो यार। ओ काटो बीबी जी, आ रही है। हो गया जी आपका काम, अभी कटवाते हैं। लोग कहते हैं कि गुलाम फरीद सियानों से भी सियाना बंदा है। सियाने बंदे लाशों पे इमारत नहीं बनाते। सियाना बंदा तो कभी भी पहले गोली नहीं चलाता। तो फौरन हवेली जा और माई पति को बुला के ला। जल्दी जा। पर आप कर ले। जो मैं कह रहा हूं ना वो कर। जा जल्दी, माई पति को बुला के ला और वापसी पे मौलवी को भी बुला के ला। मौलवी? जा जल्दी, जा जल्दी, जल्दी आना, इससे पहले के फरीद का नशा टूट जाए। मजिस्ट्रेट साहब को बुला दीजिएगा। साहब जी तो सो रहा है। अच्छा फिर आप मेरा कार्ड दे दीजिएगा। ठीक है जी, ओके। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। सर सर्च वारंट तो नहीं मिला, मजिस्ट्रेट साहब सो रहे थे। लेकिन आपको क्या लगता है पुलिस हमारी हेल्प करेगी? ओके सर, मैं देखती हूँ। थैंक यू। हेलो अरशद, अस्सलाम वालेकुम। मैं समरा बात कर रही हूँ औरत से। हाँ शुक्रिया अदा करने का तुम्हें पूरा मौका मिलेगा। अरशद एक्चुअली आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए।
मौलवी साहब आ गए हैं जी। मुझे कहो कि बाहर इंतजार करें और मुझे कागज और पेंसिल ला कर दो। कागज पेंसिल? हाँ, मेरा एक रुका जाके हवेली में दो निकाह से पहले। देखे जी, कागज पेंसिल नहीं है तो अपना साफा और कोयला ला कर दो और मौलवी साहब से कहो कि जो निकाह ऐसी तारीख रातों में पढ़ाए जाते हैं उनके गवाह अंधे और वकील गूंगे होते हैं। इंतजार करें। अच्छा जी। मिलने कौन आ गया? कौन आ गया? वाह नहीं पैड़ी है शेखिए, उठ के देख नहीं सकते दरवाजे पे कौन है? तेरे फूल चढ़ जाने थे। वाह नहीं वाह नहीं, मैं क्यों वेखू करनिया तेरिया जो रातों को दरवाजे खड़कते हैं। अच्छा, तेरी अमीदा की करनिया नहीं है क्या? हाय, वो शोधी तुम मलूक और तू शतान। हुन तू आप ही देख दरवाजे पे कौन है, मैं सोने जा रही हूं। जानी शाला गड़ा पवे, नी तेरा स्यापा करा बतूला करमा मारिए। आ रही हूं मैं, कौन है? है भी कोई बेसबराई। आपी जी, आपी जी, ये वो पखेरों वाला दीदी कह रहा था जवाब देना, ये ले ले। ऐ हाय, चौदहवीं सदी है, चौदहवीं सदी। आप भी? मैं वली से निकाह कर रही हूं, लद्दे वालों का रिश्ता मुझे पसंद नहीं था,
चौहान मुझसे शादी कर नहीं सकते थे। कौन जाने क्या करना चाहता था और क्या हुआ, कौन जाने। आप ही तुम चाहती थी ना कि मैं दुल्हन बनूं, टूंबे छल्ले मोरे टिक्का झूमर लगा के सजूं। फरीद ने अपनी ख्वाहिश पूरी की, तुम अपनी ख्वाहिश पूरी कर रही हो। सारा झगड़ा ही ख्वाहिश का। आप भी, मेरा बड़ा बोर मुझे खा गया। तुम्हारी आसिया। अम्मा भत्ती, मैं बस अभी आती हूँ। चंगा बच्चा। हाँ, चौदहवीं सदी है, यकूम मलकाना नहीं हूं जिसको तेरे कसम ने अपनी नुकरानी के हाथों मरवा कर उसके घर बार में कब्जा कर लिया था। इसहाक मलकाना हूं मैं। अब्बा जी, तू क्या समझती, मेरा अगर बाजू मर गया है तो मेरा खून भी ठंडा हो गया। गलत समझती है तू। अब्बा जी, मैं सिर्फ यहां से हटाने आई थी। आज हमीदा का निशाना नहीं लगा तो कल को किसी और। हमीदा का निशाना नहीं, तेरा दाव नहीं लगा। अगर तेरा दाव लग जाता तो तूने आज मुझे मार देना था, अपने सगे बाप को। अब्बा जी, बेटी हूं मैं आपकी। तू मुझे मारने आई थी ना, मेरी जान लेने आई थी, मुझे तुम लोगों से जान का खौफ है। बाजी, मैं सगी बेटी हूं आपकी, क्या बात कर रहे हैं आप। उन दोस्त पोलियो की वजह से अपने बाप को मारने आई थी। लानत है उस दिन पे जिस दिन तू मेरे घर में पैदा हुई थी। ज्यादा कर रहे हो,
बहुत ज्यादा कर रहे। आपने हमेशा मेरे साथ ज्यादा की है बाजी, हमेशा ज्यादा की है। ज्यादा तो वो होती है जो फरीद ने अपनी बहनों के साथ की है। मैं भी उसे मार सकता था, मैंने सिर्फ तेरी वजह से नहीं मारा उसे, सिर्फ तेरी वजह से तुझ पे तरस खाया, वरना वरना मैं भी उसे मार सकता था। ये दुल्हन का वकील कौन है? मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है, आप निकाह पढ़ाना शुरू करें। ओए, ये क्या है? वली तूने तो कहा था। वली ने यही कहा था ना कि निकाह पढ़ाना है, इसमें झूठ तो नहीं है। ओए वली, ओए तू हम सबको मरवाएगा क्या? ओए ये तो हाँ, मैं आसिया याकूब मलकाना हूँ, आप निकाह पढ़ाना शुरू करें। वली मोहम्मद, मैं ये निकाह नहीं पढ़ा सकता। क्यों? मैं एक आकिल बालिग लड़की हूँ और बकायमी होशो हवास इस निकाह पर रजामंद हूँ, अब कौन सा शरई मसला है? निकाह के वक्त लड़की के वली का होना बहुत जरूरी है। मैं लावारिस हूँ, मेरा बाप मर चुका है और मेरा भाई मेरी शादी नहीं करना चाहता ताकि जायदाद में कोई शरीक ना हो। अब क्या कहती है शरा इस मामले में मौलवी साहब? हाँ जी, और मैं ये निकाह नहीं करवा सकता। वजह? आप मेरा मतलब है कि वो दोनों फरीकैन में बहुत बड़ा समाजी फर्क है, और अगर ये निकाह हो गया ना तो ये फसाद और फितने को वहा देगा। मौलवी साहब, आपने बहुत से ऐसे निकाह पढ़ाए होंगे जिसमें लड़की के वली नहीं होते और फरीकैन में समाजी फर्क भी होता है, लेकिन ये निकाह क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसे निकाह में औरत मलकानी है। मैं गलत तो नहीं कह रही ना मौलवी साहब? और जो भी है, मैं ये निकाह नहीं करवा सकता। ठीक है, फिर आपको वही सूरत हाल दरपेश होगी जो ऐसी सूरत में होती है। वली मोहम्मद, ओहो कौन है, क्या हो गया, मुसीबत आ गई है। अम्मा कौन, तू? हाँ अम्मा मैं, जल्दी चल, मियां इसहाक ने बुलाया। खैर तो है इस वेले? हाँ अम्मा जल्दी चल, मौलवी को भी लेकर जाना है। मौलवी को? अम्मा समझा कर ना। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अभी मलकू टांगे वाले को कहती हूँ, वो टांगा जोड़ता है, बस दो मिनट में पहुंच जाएंगे हम। अरे इन मलकानों का क्या है, ख्याल दिल से निकल गया तो। हमारी तो सुनी गई है, बस चल जल्दी चल, जल्दी चल 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 चल। इसे पूछा उसने वाकई उस लड़की को मार डाला है। तुझे कोई शक है? मुझे आदमी हमेशा बिच्छू की तरह लगा है। मुझे लगता है आसिया के गायब होने में इसका हाथ है।
क्या चाहती है तू? तेरे भाइयों के कातिल को मैं खुद अपने हाथों मार डालूं? मेरे भाइयों का कातिल बलि? मैं तुझ पे मरती हूँ? तुझसे शादी करना चाहती हूँ? तेरे साथ चाय पीने के लिए निकली थी? ये क्या तमाशा है? क्या कर रहा है ये तमाशा नहीं, तेरी चाची और सास है हमीदा बेगम। कैसे कर सकता है तू ये?